चलिए वर्ल्ड कप शुरू हो गया, वर्ल्ड कप के 45 मैच भी हो गए लीग के, इंडिया ने 9 में से 9 मैच जीत लिए और अब टाइम आ गया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ का, मोमेंट ऑफ ट्रूथ का। अब आज जिस दिन पे मैं बैठा हूं, आज मुझे याद आ रहा है 1987 का वो सेमीफाइनल जो इंडिया का इंग्लैंड के साथ होने वाला था, उसके पहले वाला दिन। उस टाइम भी इंडिया के घर में मैच हो रहे थे, वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, टीम के सारे लोग फॉर्म में थे, सब कुछ था, लेकिन एंड टाइम पे हमारा एंटी क्लाइमैक्स हो गया था जब इंग्लैंड ने हमको हरा दिया था। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि पूरे देश में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सारे लोग बड़े दुखी हो गए थे। और इस बार लेकिन हाइप तो हमेशा उसी तरह की है, हाइप कहूं या एक्साइटमेंट कहूं बात तो एक ही है, हालांकि हाइप नहीं कहना चाहिए क्योंकि इंडिया टीम इस बार भी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है और इस बार हमको ये उम्मीद है कि इस बार शायद इंडियन टीम हमको वो निराशा नहीं देगी जो हमको उस टाइम हुई थी। और अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ओपोनेंट है, मुझे लगता है कि लोग कुछ भी कहें कि न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे है या जो भी है, लेकिन बाकी जो टीमें हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो जिस तरह से खेल रही हैं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अलावा बाकी दो टीमें में से कोई भी होता तो ज्यादा इजी रहता हमारे साथ। उसके बारे में जो है वो मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जब होम ग्राउंड्स में खेलती है ना, तो कहने के लिए वो बात जरूर है कि वो 30-32 हजार लोग सारे नीली जर्सी पहन के आएंगे, इंडिया की जर्सी कर पहने होंगे और इंडिया इंडिया चैंट हो रहा होगा और कोहली कोहली और रोहित रोहित, लेकिन इसका एडेड प्रेशर होता है। और न्यूजीलैंड के ऊपर वहां कोई प्रेशर इसलिए भी नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड, देखिए मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के, एक तो न्यूजीलैंड को होम प्रेशर तो वैसे भी नहीं रहता है उनके ऊपर, और वो सेमीफाइनल और इन सारी जगह में नॉकआउट स्टेजेस में इंडिया के ऊपर उनका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। हालांकि हिस्टोरिकली कुछ भी कहना बेकार है क्योंकि अभी देखिए लास्ट जो लीग मैच इंडिया का हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, वो तो बहुत कन्विंसिंगली इंडिया ने हरा दिया था उनको, कन्विंसिंगली तो मतलब देखिए वैसे तो 4 विकेट से इंडिया जीती थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत तकलीफ हुई। ठीक है बीच में एक बार को थोड़ा सा टेंशन हो गया था, लेकिन फिर भी विराट कोहली भी आउट हो, विराट कोहली और ये अपने रविंद्र जडेजा ने मैच स्कोर कर लिया था और कुल मिला के मैच काफी अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत टसल भी हुआ। लेकिन ये कल के मैच के बारे में देखिए अब सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। यहां पे न्यूजीलैंड हालांकि थोड़ी सी डिप्लीटेड लग रही है मैट हेनरी के जाने की वजह से, और न्यूजीलैंड इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि वो लीग मैचेस में देखिए जो 4 मैचेस उन्होंने हारे हैं 9 में से, उनमें से एक पाकिस्तान वाला जो डकवर्थ लुईस से हारे थे उसको तो मैं हार नहीं मानता क्योंकि अगर वो मैच पूरा होता तो वो 100% न्यूजीलैंड जीतता मैच। और जो वो एक वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो धर्मशाला में हारे थे 5 रन से, उसमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइट की थी और वो भी मैच कहीं भी जा सकता था। तो वो बैटिंग विकेट धर्मशाला का जो था उसमें दोनों टीमों ने खूब जम के रन बनाए, 388-383, तो वो उसको भी मैं कुछ मायने नहीं देता हूं। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड सिर्फ 2 ही मैचेस हारी है, उसमें से एक वो जो साउथ अफ्रीका से हारे वो बहुत खराब मैच हारे थे, वो 190 रन से या कितने रन से वो मैच हारे थे जिसने उनकी नेट रन रेट को भी काफी डेंट किया था। उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी और बहुत सारे रन बना दिए, 350 के ऊपर रन बना दिए और ये लोग बहुत ही जल्दी आउट हो गए, उसमें कोई भी नहीं चल पाया इनकी तरफ से। लेकिन उसके अलावा तो फिर ये इंडिया से ही मैच हारे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मतलब वो मिक्स टाइप की क्रिकेट उन्होंने खेली है। हालांकि वो बहुत ज्यादा अफेक्ट उनको हुआ है वो केन विलियमसन की चोट लगने से, बाद में मैट हेनरी, हाँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो जो मैच हारे थे उसी मैच में मैट हेनरी को चोट लगी थी और मैच मैट हेनरी को वो 2-3 ओवर करने के बाद ही जो बाहर जाना पड़ा और फिर उसके बाद उनको मेकशिफ्ट बॉलर से बॉलिंग करवानी पड़ी जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा रन पड़ गए। हालांकि टीम सऊदी उसमें खेला था और टीम सऊदी ने 10 ओवर में 77 रन दिए थे,
और टीम सऊदी तो अब उनकी टीम में वो मैट हेनरी ना होने की वजह से पक्का खेलेगा ही खेलेगा, तो वहां पे इंडिया को स्कोर करने का चांस है। चलिए उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम बात करें जरा इंडियन टीम की। इंडियन टीम नो डाउट लीग मैचेस में बहुत बढ़िया खेली है, 9 में से 9 मैचेस जीत गए, कन्विंसिंगली जीते, सब कुछ जीते। और अगर आप ये कहें कि किसी भी मैच में कोई प्रेशर इंडिया के ऊपर आया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं आया। देखिए इन लोगों को प्रेशर थोड़ा बहुत आया था, एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब उनके 155 रन पे सिर्फ 2 विकेट थे, तो उस टाइम थोड़ा सा टेंस सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद तो वो ताश के पत्तों की तरह वो गधे बाहर हो गए गिर के, तो उनसे तो हमें कोई बहुत ज्यादा फिर उसको उनसे कोई परेशानी हुई नहीं हमें। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड के साथ ही जब न्यूजीलैंड ने 288 रन हमारे अगेंस्ट बना दिए थे और रचिन रविंद्रन का कैच जडेजा ने छोड़ दिया था, उसके बाद डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्रन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रचिन रविंद्रन ने 75-80 रन बना दिए, डेरिल मिचेल ने तो 123-130 रन बना दिए, उसने काफी पिटाई की हमारे स्पिनर्स की। उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर था, हालांकि न्यूजीलैंड उस बार भी धर्मशाला में 300 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाई थी। वो मैच मतलब उससे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो अगर बनाएगी भी रन, जैसे उन्होंने रन बनाए नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 300 के ऊपर रन बनाए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी भी मैच में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाला छोड़ दें अगर आप, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा बैटिंग विकेट था, उसके अलावा ये 2 मैचेस के अलावा उन्होंने 300 के ऊपर रन कभी नहीं बनाए पहले बैटिंग करते हुए भी। और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 282 रन बनाए थे और इंडिया ने उसको स्कोर कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया को देखें तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और उसके बाद तीसरा मैच उनका इंडिया का जो हुआ है जिसमें थोड़ा सा ये लोग बीच में थोड़ा सा परेशान हुए थे, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुए थे जब हशमतुल्ला शाहिदी और वो अजमत ने बैटिंग करी थी और वो उन्होंने 126-30 रन की पार्टनरशिप कर दी थी और उसके बाद ही इन्होंने 280 के ऊपर रन बना दिए थे अफगानिस्तान में, 270 रन बना दिए थे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये 3 मैचेस में थोड़ा सा ये प्रेशराइज हुए हैं, जबकि सामने वाली टीम ने पहले बैटिंग की और बैट्समैन थोड़ा सा जम गए थे बीच में। उसके अलावा इंडियन टीम कभी भी प्रेशराइज नहीं हुई है। तो ये देखिए एक यही पॉइंट है जहां पे इंडिया टेस्ट नहीं हुई है। तो अच्छा पहला मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें 2 रन के ऊपर ही 3 विकेट हो गए थे, उसमें थोड़ी इंडिया प्रेशराइज जरूर हुई, लेकिन अब उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके पास कोई आस्किंग रेट का प्रेशर नहीं था। राहुल और विराट कोहली ये लोग जब बैटिंग कर रहे थे 3 विकेट 2 रन पे गिरने के बाद, उस टाइम भी आपको आस्किंग रेट तो 4 से कम ही था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रन ही 199 बनाए थे। अगर उस टाइम 260-270 का अगर ये स्कोर बनाया होता ऑस्ट्रेलिया ने, उस टाइम इंडिया की ज्यादा टेस्ट हो सकता था। तो मतलब ये कहा जाए कि ये पूरे लीग मैचेस में इंडिया कोई बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुई है। अब अगर कल के मैच में प्रेशर आता है तो इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले मैच में आप प्रेशर में आए, लेकिन वहां पे आपके पास एक बहुत बड़ा लीवरेज था कि आप अगर मैच हार भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉकआउट मैच नहीं है, आप करो या मरो वाली स्थिति नहीं है। तो अब कल के मैच में क्या होता है, सबसे पहले तो मुंबई का मैदान है। अब मुंबई के मैदान में अगर हम देखें कि अगर मैं देखूं, इफ आई पुट माई सेल्फ इन टू केन विलियमसन शूज, तो वॉट विल केन विलियमसन वॉन्ट इंडिया टू डू और वॉट विल ही वॉन्ट टू डू हिमसेल्फ। तो अगर मान लीजिए केन विलियमसन ने टॉस जीता तो उसके सामने ये डिसीजन करना है उसको कि वो खुद पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे। अच्छा बाद में बैटिंग करने में न्यूजीलैंड को ये फायदा है कि भाई बाद में मुंबई में अगर ड्यू आती है तो वो उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन अगर इस पूरे टूर्नामेंट में कोई सबसे ज्यादा लीथल पेस अटैक हुआ है शुरू के 10-15 ओवरों में वो इंडिया का है। तो अब केन विलियमसन के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होगा कि मैं अगर बाद में बैटिंग करूं और इन्होंने मेरे 3-4 विकेट निकाल दिए, तो क्योंकि देखिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो इंडिया हो सकता है
400 रन नहीं लेकिन 325 बना दे। मैं ये कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं। वैसे तो इंडिया को, इंडिया मुझे लगता है कि जिस तरह की ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग है इस टाइम, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो ये 350 रन बना सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करने की जरूरत है। तो अगर इन्होंने बना दिए और सामने फिर न्यूजीलैंड के 2-3 विकेट अगर गिर गए, 4 विकेट गिर गए, जैसा कि इंडियन पेसर्स कर रहे हैं, जैसा एग्जॉर्बिटेंट इनको स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रहा है, तो मैच वहीं 15 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है केन विलियमसन यही सोचेगा कि मैं पहले बैटिंग कर लेता हूं जिससे कम से कम मैं रन तो लगा दूं। और वैसे भी किसी भी नॉकआउट मैच में, किसी भी बड़े मैच में हमेशा कप्तान ये सोचते हैं कि पहले बैटिंग करके स्कोरबोर्ड लगा दो, और उसके बाद स्कोरबोर्ड का प्रेशर अपने आप में अलग ही होता है। फिर वो एक एक विकेट गिरने से प्रेशर वो डबल बढ़ता है, जो कि एक नॉर्मल मैच में उतना प्रेशर नहीं होता है जितना नॉकआउट में होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया भी यही चाहेगी। अच्छा, इंडिया के साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया को उतना ज्यादा डर नहीं है बाद में बैटिंग करने में, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की तो देखिए इन्होंने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। अच्छा, बॉम्बे का विकेट ठीक है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है जिसके अगेंस्ट न्यूजीलैंड कोई 350 रन बना दे। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर ली, टॉस वो जीत गए, उन्होंने पहले बैटिंग की, तो वो 300 रन नहीं बना सकते। 300 अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में 300 बना भी दिए उन्होंने, 300 हम स्कोर मान लेते हैं, और बाद में इंडिया की बैटिंग आती है, तो वहां पे मैट हेनरी नहीं है। अभी मैट हेनरी नहीं है, और जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट को पहले मैच में ये ओपनर्स ने खेला था इंडिया के, वो थोड़ा सा अभी अपने को बहुत ज्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंट बोल्ट जरा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिछले 2-3 मैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग की है। मुझे इनिशियल ओपनिंग बॉलर्स में सऊदी से उतना डर नहीं है, हालांकि स्विंग वो भी कर लेता है, और नई बॉल अगर जब स्विंग होती है तो फिर वो सऊदी भी कोई इतना गया गुजरा बॉलर नहीं है, आखिर वो भी न्यूजीलैंड का मेन बॉलर रहा है काफी टाइम तक। तो वहां पे क्या करना होता है, बॉलर को सिर्फ टप्पे पे बॉल फेंकनी होती है, फिर तो वो बॉल ही करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप टिम सऊदी हो या ट्रेंट बोल्ट हो या कौन हो। अगर टप्पे पे बॉल फेंकी तो बैट्समैन को परेशानी हो जाती है, और टप्पे पे तो बॉल कम से कम फेंक ही सकता है। लेकिन वहां पे एक चीज ये है कि टिम सऊदी की उतनी ज्यादा पेस नहीं है कि वो बैट्समैन को हरी कर सके शॉट बनाने में, या फिर इनको डरा सके। तो मुझे लगता है कि ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा टीम सऊदी की तो क्लास ले सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट से इनको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत शार्प बॉल अंदर आता है। और अब जिस तरह से रिसेंटली रोहित शर्मा ने लेफ्ट हैंडर्स को खेला है, लेफ्ट आर्म सीमर्स को खेला है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा उसको मैनेज कर लेगा, और थोड़ा सा ओवर कॉशियस होकर खेलने की जरूरत है। शुरू के 10 ओवर में मुझे लगता है कि आप टेस्ट मैच की तरह ही बैटिंग कर लो, और जिसको आजकल कहा जाता है ना, आजकल की जो भाषा हो गई है क्रिकेट की, कि एग्रेसिव क्रिकेट, कॉशियसली एग्रेसिव। अच्छा, कॉशियसली एग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि अपना विकेट तो बचाना ही है, लेकिन जो लूज बॉल होनी है उस पर बराबर मारना है, तो वो कॉशियसली एग्रेसिव का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि आंख मूंदी और पट्टे घुमाना शायद चालू कर दिए, तो वो तो बिल्कुल भी, वैसे भी सेमीफाइनल मैच में अभी ये करने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा बिल्कुल इस बात के लिए तैयार होंगे। वो तो तब होगा जब इंडिया बाद में बैटिंग करे, इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड टॉस जीते, क्योंकि 99% आई एम कॉन्फिडेंट कि जो भी टीम जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल टॉस रोहित शर्मा ही जीत जाएगा। अब रोहित शर्मा ही जीत जाएगा तो वो पहले बैटिंग कर ही लेगा, तो मुझे लगता है कि फिर इनके लिए मैच काफी आसान हो जाएगा। अगर रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो फिर ये लोग न्यूजीलैंड को बहुत आसानी से पटक देंगे, लेकिन बॉलिंग इनको सेकेंड इनिंग्स में भी 15 ओवर तक बहुत अच्छी करनी है, जिस टाइम में बॉल स्विंग और सीम होता है उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। और टीम में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये अश्विन को चांस दे देंगे, क्योंकि अश्विन ये इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं, तो अश्विन को ऑफ स्पिनर को खिला लेना चाहिए, लेकिन अब इस टाइम पे कोई टीम का टेम्पो डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, तो मुझे लगता है कि टीम तो सेम ही रहने वाली है।
और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। हाँ, अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया तो वो भी पहले ही बैटिंग करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली फिर आपका भी पूरा पूरा ये हो जाता है। बैटिंग तो देखिए, इंडिया पहले बैटिंग अगर अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर इनका टेम्पलेट वही रहना है, क्योंकि यहां ना तो बॉल स्विंग होगी ना कुछ होगा। शुरू के एक दो ओवर में कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो कुछ होने वाला नहीं है। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग वहां पे फिर इंडिया को बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगी और ये ठोक देंगे 350। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगी तो उसके लिए 350 रन लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर इन्होंने बहुत गड़बड़ बैटिंग नहीं की तो ये 280 290 तक बना सकते हैं, और बहुत अच्छा खेल गए अगर ये लोग तो 310 बना देंगे। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है जो इनको ऐसा मारने देंगे। अगर बीच में कोई पार्टनरशिप हो भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ कंट्रोल बैटिंग कर देंगे इंडिया के अगेंस्ट। बाकी रही बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रचिन रविंद्रन इतना, और रचिन रविंद्रन फिर से मारने वाला है और ऐसा करेगा, तो रचिन रविंद्रन की कुछ दो तीन मिस्टेक्स हैं, जो कमियां हैं वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो थोड़ा सा वो कंट्रोल नहीं होता है उसको। अगर मीडियोकर टाइप की अगर बाउंसर कोई मारेगा तो उसको तो वो छोड़ता नहीं है, जैसा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंग्लैंड वालों ने जो किया था वो तो खैर वो उसने बहुत बुरी तरह धुलाई की इंग्लैंड वालों की, वो तो बहुत ही गंदी टाइप की बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन इंडिया के बाउंसर्स अगर बॉलर्स अगर बाउंसर मारते हैं तो रचिन रविंद्रन को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। डेरिल मिचेल ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की है, और डेरिल मिचेल के सामने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर उसकी थोड़ी सी कमजोरी है। पिछले मैच में हालांकि उसने जो इंडिया के साथ हुआ था उसमें कुलदीप यादव की धुनाई कर दी थी थोड़ी सी, लेकिन वो रविंद्र जडेजा उसको निकाल सकता है। देखिए, न्यूजीलैंड का चांस तभी है जब वो पहले बैटिंग करे और बाद में इंडिया के शुरू के 10 ओवर में 2-3 विकेट निकाल दें, क्योंकि देखिए बाद में फिर अगर बैटिंग में अगर 2-3 विकेट निकल भी गए लेकिन बाद में जब ड्यू आती है तो फिर वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है काम, प्रोवाइडेड कि आस्किंग रेट बहुत ही ज्यादा ना हो, जिसके होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। तो डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्रन, इनके अलावा डिवेन कॉनवे तो अभी तक चला नहीं है सिवाय पहले मैच के, और डिवेन कॉनवे लेकिन ऐसा बैट्समैन है कि जो किसी भी दिन चल सकता है, उसको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है आईपीएल की वजह से यहां खेलने का, लेकिन ये लोग उसका निकाल लेंगे क्योंकि डेरिल मिचेल, ये डिवेन कॉनवे जो है उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मिडल और लेग स्टंप की वाली जो बॉल रहती है ये थोड़ी सी इसको परेशान करती है। अगर इसको आप ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर खिलाएंगे तो ये भरपूर बार पिटाई कर देता है, लेकिन इसका ये मिडल स्टंप और लेग स्टंप के वाली जो बॉल रहती है, अब ऑब्वियसली इन इंडियन बॉलर्स ने, इंडियन थिंक टैंक ने देखा ही होगा, और पिछली बार जो इंडिया का मैच हुआ था उसमें भी इन्होंने डिवेन कॉनवे को ऐसी ही बॉल पे आउट किया था जो श्रेयस अय्यर ने कैच पकड़ा था स्क्वायर लेग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो प्लान के तहत ही जाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। बस मुझे यही डर है कि ये जो प्रेशर अभी तक एक्सट्रीम नहीं आया है इनके ऊपर, वो जब नॉकआउट में आता है तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेटर तो ये है कि आप प्रेशर को आने ना दें, और प्रेशर को आने ना देने के लिए मतलब ये है कि थोड़ा सा शुरू में एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। पहले बैटिंग करने में तो देखिए इनको परेशानी नहीं है, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा बॉल का, 2-3 ओवर शुरू के निकालने के बाद ये अपनी नॉर्मल पिटाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में बैटिंग करने में शुरू के 10 ओवर इनको आराम से खेलने पड़ेंगे। एक बार अगर 10 ओवर में इंडिया का भले 40 रन स्कोर हो लेकिन विकेट कोई नहीं होगा तो फिर न्यूजीलैंड की हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर ड्यू भी आने लगती है। और सिमिलरली जब न्यूजीलैंड भी प्रेशर में आएगी तो न्यूजीलैंड के प्रेशर में आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद उनके कप्तान से, क्योंकि कप्तान उनका काफी सीजन प्लेयर है केन विलियमसन, और उसको भी जबरदस्त एक्सपीरियंस है, वो उसके पास टेक्निक भी है, सब कुछ है, टेम्परामेंट भी है, और प्रेशर को एब्जॉर्व करने की उसकी एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बाकी किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक मिचेल सेंटनर इंडिया को परेशान कर सकता है, जिसने पहले भी किया है, पिछले सेमीफाइनल में जो 2019 में हुआ था उसमें मिचेल सेंटनर ने हमारी नाक में दम कर दिया था और बहुत ही मुसीबत कर दी थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने शुभमन गिल की वीकनेस बिल्कुल जग जाहिर है। दूसरी बात, विराट कोहली को लेफ्ट आर्म स्पिनर से बहुत परेशानी होती है, इवन महाराज ने विराट कोहली को बहुत परेशान किया था। पहले बैटिंग करने में
एक चीज ये भी है, जब इंडिया पहले बैटिंग करती है तो विराट कोहली अपनी इनिंग्स को प्लान नहीं कर पाता है, जैसा कि हमने पिछले दो तीन मैचेस में देखा है जब इंडिया ने पहले बैटिंग की, कि विराट कोहली को थोड़ा सा भी अगर उसको सिंगल्स नहीं मिलते हैं, बाउंड्रीज नहीं मिलती है, वॉक डाउन अगर हो गया वो, तो फिर वो एक रिलीज शॉट मारने चला जाता है जो कि उसकी बिल्कुल फोर्टे है ही नहीं। मतलब इस तरह के पट्टे और फोर्स करने वाले शॉट्स विराट कोहली तो इवन बाद में बैटिंग करते हुए भी कभी शुरू में नहीं मारता है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली छक्के नहीं मार लेता है, लेकिन वो मारता है जब वो 80 रन बना चुका होता है। अभी शुरुआत में चेज करते हुए भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि विराट कोहली ने छक्के मारने शुरू कर दिए। वो हवा में खेलना अवॉइड करता है, क्योंकि वहां तो उसकी इनिंग्स प्लान हो चुकी होती है कि भले वो 350 रन बनाने हैं लेकिन किस तरह से बनाने हैं। उसके लिए वो सिंगल्स, डबल्स और चौके मार मार के, ग्राउंडेड शॉट्स खेल के वो सब कर लेता है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए मुझे बहुत अफसोस है कि वो इस तरह से प्लानिंग नहीं कर पाता है, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो विराट कोहली का जो इफेक्टिवनेस है वो बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि बिलो 50% हो जाता है। ये जो इफेक्टिवनेस विराट कोहली की 100% रहती है चेस करते टाइम, वो टारगेट सेट करते टाइम बहुत कम हो जाती है। क्योंकि वो मुझे, मैं तो पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि कोच को ये बोल के भेजना चाहिए या कप्तान को ये बोलना चाहिए कि भाई आप ये मान के चलो कि आपको 350 रन का टारगेट सेट करना है सामने वाली टीम के लिए। अब पिछले मैच में भी जब ये नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल रहा था उस टाइम कितने उल्टे सीधे शॉट इसने मारे, क्रॉस बैट मारे ये, क्योंकि इसको सिंगल्स नहीं मिल रहे थे। जब सिंगल्स नहीं मिल रहे थे क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने शुरू किए, या हवा में मारा, एक दो कैचेस भी इसके मिस हुए या फील्डर्स के पास गिरे। तो उस टाइम मुझे अफसोस है कि राहुल रोहित शर्मा भी हाँ उसके साथ बैटिंग कर रहा था, उसने जाके क्यों नहीं रोका उसको। कि मैं मानता हूं कि विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन उसको बोल सकता था कि टेक इट इजी, क्या टेंशन है, बना लेंगे रन बन जाएंगे और अभी धीरे धीरे खेल दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जिस तरह से शॉट्स उसने मारना शुरू किया, फिर अल्टीमेटली वो वैसे ही आउट भी हुआ। विकेट के ऊपर आती हुई बॉल को स्क्वायर कट वैसे भी विराट कोहली बहुत कम मारता है, और वो भी स्पिनर को मतलब स्टंप के ऊपर की बॉल पे जिस तरह से वो बोल्ड हुआ है, तो वो साफ समझ में आ रहा था कि वो ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा रन जितनी जल्दी बना लूं। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। तो ये इंडिया की बैटिंग जब पहले आती है तो ये विराट कोहली के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये विराट कोहली को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैच है या दोनों मैचेस जो हैं, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रिटर्न, और फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब दूसरा मौका ना केवल इस वर्ल्ड कप में, बल्कि हो सकता है शर्मा और विराट कोहली दोनों के साथ ही ये चांस हो सकता है कि अब शायद दूसरा मौका वर्ल्ड कप में खेलने का ना मिले। तो अब जो कुछ भी करना है इन दो मैचेस में ही करना है, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा से, हम भले इनको कितना भी क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन टीम तो हमारी, देश की है, तो हम तो चाहते हैं कि ये लोग जीते। और ठीक है, देखिए मैं ये मानता हूं कि हार हो जाती है, लेकिन सामने वाला कोई अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द स्किन खेल जाए और आपको हरा दे तो वो बात अलग है, लेकिन आप अपनी सिली मिस्टेक से या बेसिक मिस्टेक से अगर हार जाएं तब दुख ज्यादा होता है। तो वैसे मुझे लगता है कि इसकी कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो इंडिया के सामने वो, अगर इंडिया 20 है तो न्यूजीलैंड को मैं 17 पॉइंट्स दूंगा। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस तो है, क्योंकि उनके पास मैट हेनरी नहीं है। फिर उसके बाद उनके पास अगर हम बॉलिंग ही देखें तो ट्रेंट बोल्ट और टिम सऊदी, मिचेल सेंटनर, ये 3 इफेक्टिव बॉलर्स हैं। इसके बाद जो बॉलर्स हैं इनके 2, तो उनके ऊपर तो इंडिया भरपूर लूट सकता है। अब वो किसको खिलाते हैं, जेमी नीशम को खिलाएंगे या काइल जेमिसन की बात सुन रहे हैं। अब काइल जेमिसन को अगर ये खिलाएंगे तो ये बड़ी दुधारी तलवार न्यूजीलैंड के सामने है, क्योंकि देखिए वो मैच फिट नहीं है। वो भले कितनी भी नेट में कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो लेकिन मैच नहीं खेला है उसने। लेकिन जिस तरह से इनको मारामारी हो रही है बॉलिंग की, मुझे लगता है कि दे विल बी टेम्प्टेड टू प्ले काइल जेमिसन। अच्छा, काइल जेमिसन को अगर खिलाया तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि मैच फिटनेस ना होने की वजह से, अभी तो हमने देखा मैच फिट जो आपका ये जो साउथ अफ्रीकन था, क्या नाम है उसका, ये जो लंबा बॉलर है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, तो उसकी भी अच्छी खासी धुनाई कर दी।
इन्होंने इंडियंस ने, तो येनसन, मार्को येनसन, उसकी कितनी पिटाई कर दी थी इंडिया ने, जबकि वो तो मैच फिट था, परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। अब ये काइल जेमिसन अगर आएगा तो इसकी भी बहुत अच्छी धुलाई हो सकती है मुंबई में। तो अब ये चौथा बॉलर अगर उन्होंने उसको ले भी लिया तो पांचवा बॉलर कौन रहेगा? वहां पे ग्लेन फिलिप्स से ये बॉलिंग जरूर करवा रहे थे, पिछले मैचेस में इन्होंने करवाई है, लेकिन इंडिया के सामने ये करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन बैट्समैन तो भूसा भर देंगे, और वो भी वानखेड़े जैसे छोटे मैदान में, जाके श्रेयस अय्यर का भी होम ग्राउंड है, अपने रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, और ये लोग तो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दे वुड वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, क्योंकि कल का मैच जो है वो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैच है। जसप्रीत बुमराह, जिसका कि मुंबई इंडियंस होम ग्राउंड है, तो ये लोग तो इन लोगों के लिए तो बहुत करो या मरो वाली पोजीशन है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा, हालांकि मुझे उम्मीद है, मैं तो चांस दूंगा इंडिया को, चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आई वुड गिव इंडिया 8 out of 10 चांसेस कि ये इंडिया को मैच जीतना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, मिलेंगे कल मैच के बाद, होपफुली आपको बधाई देते हुए। तो उम्मीद है कि मैच मजेदार होगा, और हमारे व्यूअर हैं हिमांशु पाल, वो ये कह रहे थे कि मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो हिमांशु का कहना ये था कि होपफुली न्यूजीलैंड विंस द टॉस एंड बैट्स फर्स्ट, जिससे कि वो थोड़े बहुत रन बना सके, अदरवाइज ये बॉल बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा कि इंडिया पहले बैटिंग करे और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को बाद में निपटा दें ये आसानी से। तो हिमांशु का कहना ये भी है कि वो फिर वो 1999 के जो फाइनल था, जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का था, बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया था, उस तरह का मैच ना हो जाए। तो हिमांशु से मेरा कहना ये है कि देखो भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मैच जीतना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वन साइडेड हो या वो फाइटिंग हो, क्योंकि अब स्टेक पे बहुत ज्यादा चीजें हैं। अगर फाइटिंग होने के चक्कर में कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी तो उम्र भी इतनी ज्यादा है कि शायद बर्दाश्त ही ना हो। अब आप लोग तो यंग हो, जेल लोगे, आप लोगों तो और बहुत सारे वर्ल्ड कप देखने हैं अभी। हम तो ये चाहते हैं कि भैया तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, तो क्योंकि पता नहीं कल होना हो। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम ही वन साइडेड हो जाएगा। न्यूजीलैंड ऐसी भी टीम नहीं है कि वो अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो वो एकदम ही सरेंडर कर देगी, इतना भी नहीं है। वो लोग भी सीजन प्लेयर्स हैं, स्विंग और सीम न्यूजीलैंड में भी बॉल बहुत ज्यादा होती है और उन लोगों को आदत है खेलने की, तो इतना वन साइडेड तो नहीं होगा। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी टीम पहले बैटिंग करे या बाद में करे, वो टीमें दोनों फाइट करेंगी और मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड होगा। तो अब देखते हैं जो भी होता है, मिलेंगे मैच के बाद, और उम्मीद है कि खुशी खुशी मिलेंगे। आई एम विकास सक्सेना, द बायर जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच।